वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। देखिए रैम सप्लाई बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरह। इसका कंप्लीट वीडियो नहीं डालूंगा, कंप्लीट वीडियो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन सीखेंगे या हमारे वीडियो परचेस करेंगे तो परचेस प्राइवेट वीडियो से वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले रैम, एक नॉर्मल वोल्टेज मैं आपको बता देता हूँ। रैम में आपको नॉर्मली VTT, इसके अलावा SPD, इसके अलावा जो आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, VCC वोल्टेज होता है, ठीक है। तीन वोल्टेज आपको देखना आना चाहिए, एटलीस्ट ये तीन वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए रैम की सप्लाई के लिए एक नॉर्मल सर्किट दो MOSFET के साथ लेके कर रहे हैं, जैसे एन चैनल MOSFET है, यहाँ पर 5 वोल्ट, फिर यहाँ पर जाकर अगर DDR1 है तो उसके हिसाब से, DDR2 है तो उसके हिसाब से 1.8, 1.5 और 1.2 वोल्ट अकॉर्डिंग टू रैम ये क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज देगा। इसके बाद कॉइल और कैपेसिटर से होता हुआ रैम पर जाता है। तो सबसे पहले VCC सप्लाई आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार एक MOSFET प्राइमरी में लगा देते हैं जो फॉरवर्ड बायस में लगा होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो उस हिसाब से भी सर्किट हो सकता है। इसके अलावा इसके लिए एक जो IC होती है रेगुलेटर, वो लगी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो गेट पिन है प्राइमरी MOSFET का इससे और दूसरे का गेट पिन इससे, तो इस गेट पर 2 से 4 वोल्ट यहाँ मिलेगा और इस पर आपको 7 से 8 वोल्ट क्या होगा दूसरे गेट पर मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी IC है, ये आपको रेगुलेटर है कंट्रोल करने के लिए इन MOSFET होगी, ठीक है। इसके अलावा जो VTT IC होती है वो कैसे लगी होती है, वो VTT IC आप देखिए 1, 2, 3, 4। तो जो रैम का वोल्टेज है 2.5, 1.8, 1.5, 1.2, तो 2.5 है तो 1.25 VTT, 1.8 है तो 0.9 और 0.5 है तो 1.5 का आधा, जो भी 0.75 है वो, इसके अलावा 1.2 का है तो 0.64 के आसपास क्या होगा आपको VTT वोल्टेज मिलेगा। तो ये VTT IC पर आपको ये वोल्टेज मिलेगा, एक पर रैम का पूरा वोल्ट और एक पर VTT वोल्टेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो VTT IC हो जाएगी। इस तरह से आप रैम पर ये दो ICs चेक कर सकते हैं। अब ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट वाले भोपाल के होंगे या कहीं के हो, यही वीडियो लेके बच्चों को पढ़ाना चालू कर देते हैं और यही वीडियो लेके नेट पे डालना चालू कर देते हैं, तो उनसे सावधान रहिए, डेमो के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। डेमो में अभी 2-4 लड़के मैंने आपसे कहा था कि मैं उनसे मिलवाऊंगा, तो उनसे भी बहुत जल्दी मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि डेमो 5 दिन, 8 दिन, 4 दिन पढ़ पढ़ के बच्चे हमारे पास आए, तो उनसे भी मैं आपको बहुत जल्दी मिलवाने वाला हूँ। क्या सीखा उनने वो भी आपको बताएंगे, नाम किसी का नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। अब हमें रैम पर, मान लीजिए कि हमारे पास DDR रैम है, DDR यानी DDR1 रैम है, तो इस पे मुझे क्या चेक करना है, VCC। तो DDR1 पे VCC आपको मिलेगा कहाँ पर, कितना वोल्ट मिलेगा, 2.5, और ये मिलेगा 54 नंबर पिन पे। और SPDD मिलेगा आपको कहाँ पर, 184 नंबर पिन पे SPDD क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसी आपका DDR2 की पिने होती है, ऐसी आपकी DDR3 की पिने होती है। तो हमारे पास DDR2 का बोर्ड है, इस पर 1.8 वोल्ट 62 पिन पर मिलेगा और ये होगा कौन सा 1. ये VCC वोल्ट होगा। इसके अलावा 0.9 वोल्ट होगा 61 नंबर पिन पे, ये VTT होगा। और SPD वोल्टेज होगा ये 238 पिन पर और ये 3.3 वोल्ट होगा। इसके अलावा DDR4 का, DDR5 का और DDR1 का सब का फुल डिटेल, लैपटॉप के वोल्टेज की रैम की डिटेल, वो प्राइवेट वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। आइए देखते हैं हम इसको मदरबोर्ड पर किस तरह से चेक होंगे सारे वोल्टेज। ये देखिए वोल्टेज, तो सबसे पहले कौन सा वोल्टेज बता रहे हो, DDR2 रैम है ये और यहाँ पर इसका वोल्टेज लिखा हुआ है। और DDR2 पे कौन सा वोल्टेज बता रहा हूँ, नैन बताते यार, SPD बताएंगे, SPD बता रहे हैं। SPD DDR2 पे कहाँ पे आता है वो देखिए, आपको चेक करा रहे हैं, ये आपका SPD वोल्टेज DDR2 पे 238 नंबर पिन पर आता है, ये देखिए आ गया है। अगला बताइए 0.95, ये आपको 61 पिन पर आएगा और ये रैम का आधा वोल्ट होगा। तो ये वोल्टेज देखिए 0.7 दिखा रहा है। इसके अलावा DDR2 पे 62 नंबर पिन पे 1.8 वोल्ट, वो दिखाइए, ये देखिए 1.9 2 के आसपास दिखा रहा है। तो ये एक नॉर्मल वीडियो है, इससे आपको अगर लैपटॉप ऑन मदरबोर्ड ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले रैम पर आपको ये सारे वोल्टेज चेक करना आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिसिंग है तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बचे और समय बर्बाद करने से बचे। एक्चुअल रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में रिपेयरिंग CCNA CCNP, मेरा CCNA है, CCNP है, 38 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाकर चीज़ों को मैंने इस पर काम किया है और बच्चों को सिखाने लायक आज मैं हुआ हूँ। मार्केट पर काम किया, हजारों लैपटॉप रिपेयर किए CCNA के, सैकड़ों हजार 100-500 बच्चे पढ़ाए नेटवर्किंग के CCNA के, तब जाकर मार्केट में हम लोग काम करने लायक बच्चों को बना पाते हैं। तो रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल याद रखिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज हमारे पास 2008 बैच का एक CCNA का स्टूडेंट भी आया था, उसका भी आप रिव्यू गूगल पे देख सकते हैं, वो आज वो रिव्यू देके गया है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है।
आप पर्सनल पर मांगेंगे तो सबका पर्सनल मैटर नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, पर्सनल पे मांगेंगे तो मैं आपको वो चीज़ दे दूंगा। थैंक्स फॉर